टीवी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर के मौत का मामला इन दिनों खूब सुर्खियों में है। ये रिश्ता क्या कहलाता है और ससुराल सिमर का जैसी टीवी शोज के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने वाली अभिनेत्री ने 16 अक्टूबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इंदौर वाले घर में उनकी लाश पंखे से लटकी मिली। वैशाली के कमरे से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया था। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसी बीच वैशाली ठक्कर का सुसाइड नोट सामने आया है, तो चलिए जानते हैं कि उनके इस नोट में क्या लिखा है। वैशाली ठक्कर ने इस सुसाइड नोट में अपने माता पिता से माफी मांगी है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2.5 साल से उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। वहीं इसके लिए वैशाली ने राहुल और उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराया। वैशाली ठक्कर ने इस सुसाइड नोट में लिखा, बेटी नहीं रहेगी तो उससे जुड़ी परेशानियां भी नहीं रहेंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ माँ पापा, अगर मैं एक बुरी बेटी थी तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। राहुल और उसके परिवार को सजा दिलवाना, मुझे 2.5 साल तक मेंटली टॉर्चर किया राहुल और दिशा ने, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपको मेरी कसम, खुश रहना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मितेश से कहना कि मुझे माफ करे, आई क्विट। गौरतलब है कि मितेश वैशाली के मंगेतर थे, वहीं 20 अक्टूबर को दोनों शादी करने वाले थे। हालांकि उससे पहले वैशाली ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं सुसाइड नोट में वैशाली ने जिस राहुल का जिक्र किया है वो एक कारोबारी है और वो वैशाली के पड़ोस में ही रहता है और दिशा उसकी पत्नी है। आपको बता दें कि रविवार को ही पुलिस ने राहुल नवलानी को हिरासत में ले लिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखना होगा आगे इस केस में और क्या कुछ सामने आता है। वैशाली के इस सुसाइड नोट पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।